हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल से समथिंग। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन की रिकॉर्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों ने उस वीडियोस पे बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है। बट फ्रेंड्स, मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड कैरियर बताया था। आप लोगों ने इस वीडियो पे इतना ज़्यादा प्यार दिया है एंड सब ने, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमें इंग्लिश ऑनर्स का तो बता दिया आपने, बट हिंदी ऑनर्स का भी बताइए कि हिंदी ऑनर्स से क्या फ़ायदे हैं, इसको लेने के बाद हमारा आगे कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये रॉन्ग डिसीजन है या राइट डिसीजन है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी कि हिंदी ऑनर्स को लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं एंड आपको हिंदी ऑनर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हिंदी ऑनर्स जो है वो काफ़ी अच्छा एक सब्जेक्ट है। यस फ्रेंड्स, हम ऐसा नहीं कह सकते कि हिंदी ऑनर्स है वो एक लिटरेचर है बट हिंदी में है तो वो सही नहीं है। जैसे फ्रेंड्स इंग्लिश ऑनर्स है, वैसे ही हिंदी ऑनर्स भी है। इंग्लिश ऑनर्स में इंग्लिश में नॉवल पढ़ने होते हैं एंड हिंदी ऑनर्स में हिंदी में नॉवल पढ़ने होते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत लोग कहें कि हिंदी मत लो यार ये वो, तो आप बोल देना कि आपको हिंदी पढ़ने में इंटरेस्ट है, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप हिंदी ऑनर्स ले सकते हो। बट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी ऑनर्स लेने का बस ये मतलब नहीं है कि आप हिंदी में ही आगे कुछ कर सकते हो। आप हिंदी ऑनर्स लेने के बाद आप इंग्लिश में भी कर सकते हो। यस फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी ऑनर्स का बहुत ही ज़्यादा डिमांड होता है। मैंने अपने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में इनफैक्ट अगर आप कोई ऑनर्स लेते हो तो उसकी बात अलग रहती है। आप साइंस में आप लाइफ साइंस ही क्यों ना लो, बट बीए में आप हिंदी ऑनर्स ही लेते हो तो वो उससे ज़्यादा डिमांडेबल एंड यूजफुल रहता है फ्रेंड्स। बिकॉज फ्रेंड्स, जो ऑनर्स होता है उसमें आप एक सब्जेक्ट के बारे में स्पेसिफिक पढ़ते हो, जिससे आपके पास नॉलेज उस सब्जेक्ट के बारे में पूरी रहती है। बीए प्रोग्राम, बीकॉम प्रोग्राम, बीएससी प्रोग्राम, इन सब चीज़ों में थोड़े सब्जेक्ट होते हैं वो बढ़ जाते हैं। बट अगर आपका चॉइस है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ऑनर्स और प्रोग्राम वाले सब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है, बट आपका अगर चॉइस है प्रोग्राम लेना तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, आप ले सकते हो। तो बट फ्रेंड्स, अगर आपको ऑनर्स मिल रहा है, हिंदी ऑनर्स मिल रहा है, अगर आप इसमें ये लेना चाहते हो पहले से सब्जेक्ट, तो आप ज़रूर लेना। तो सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ हिंदी ऑनर्स लेने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। फर्स्टली तो ये फ़ायदा है कि आप हिंदी में इजली आप एमए करोगे हिंदी ऑनर्स से, उसके बाद आप इजली प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी या किसी भी यूनिवर्सिटी में, वो भी आपका गवर्नमेंट जॉब ही है। अगर आप इंग्लिश ऑनर्स लेते हो तब भी आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो, वो भी आपका गवर्नमेंट जॉब है। तो सो इट डजेंट मैटर यू आर गेटिंग हिंदी ऑनर्स और इंग्लिश ऑनर्स, यू कैन इजली टेक एनी अदर ऑनर्स। बट फ्रेंड्स, अगर आप पे हिंदी ऑनर्स में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो या फिर अगर आप पे किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो ये कोई रॉन्ग डिसीजन नहीं है, ये राइट डिसीजन है। बिकॉज अगर आपकी हिंदी स्ट्रांग है, आप हिंदी अच्छा लिख सकते हो, आप जो हिंदी ऑनर्स लेने के बाद आपका क्या लिटरेचर हिंदी अच्छा हो जाएगा, तो आप हिंदी ऑनर्स ले सकते हो। फ्रेंड्स, यूपीएससी में क्या होता है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव तो प्री में होते हैं बट मेंस में आपको थ्योरी ज़्यादा होते हैं, तो आप मेंस में हिंदी ऑनर्स में भी अगर लेते हो तो हिंदी आपकी स्ट्रांग हो ही जाएगी, तो आप हिंदी में भी इजली लिख सकते हो। बट अगर आप हिंदी ऑनर्स लेके इंग्लिश में यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इंग्लिश ऑनर्स लो या फिर कोई और ऑनर्स लो। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब में ये डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएट हो कि नहीं हो, इट्स नॉट डिपेंड ऑन कि आप हिंदी ऑनर्स ले रहे हो कि इंग्लिश ऑनर्स ले रहे हो या फिर कोई भी ऑनर्स ले रहे हो। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी का प्रिपरेशन करना चाहते हो किसी चीज़ का, तो आप हिंदी ऑनर्स ले सकते हो फ्रेंड्स। एंड मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हिंदी ऑनर्स जो है वो आपको आगे अगर आप एयर होस्टेस के लाइन में जाना चाहते हो, अगर आप यस फ्रेंड्स अगर आप क्रू मेंबर बनना चाहते हो, तभी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये नहीं कहूँगी कि अगर आप हाँ आप प्लेन में बैठोगे तभी, जब आप प्लेन में कोई वर्क करोगे स्टाफ का, तब हिंदी ऑनर्स बेनिफिट होगा, बट इस टाइम पे इंग्लिश ऑनर्स का ज़्यादा डिमांड होता है। बट जैसे क्या होता है फ्रेंड्स कि आप फ्लाइट में काफ़ी ज़्यादा फ्लाइट के पहले भी लोग होते हैं, विच मीन्स कि एयरपोर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो उसमें से भी अगर आप कुछ काम करना चाहते हो, हिंदी ऑनर्स वाले लोगों को भी उसमें काम मिल जाता है फ्रेंड्स।
तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इतना समझ गए हो कि हिंदी ऑनर्स लेना है तो आप ले सकते हो, कि अगर आपको कोई ये इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप हिंदी ऑनर्स ले रहे हो, बस आपका ये मतलब रखता है कि आप एक ऑनर्स ले रहे हो जिसका काफ़ी डिमांड है किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले रहे हो जो कि काफ़ी सही है फ्रेंड्स। एंड मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बता दूँ कि हिंदी ऑनर्स लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश जो है वो वीक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपकी हिंदी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। एंड इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है फ्रेंड्स कि आप कहीं भी रह के सीख सकते हो, तो अगर आप ट्रांसलेटर बनना चाहते हो तब भी हिंदी ऑनर्स आपको हेल्पफुल करेगी जैसे इंग्लिश ऑनर्स हेल्पफुल करती है फ्रेंड्स। कि अगर कोई भी आप हिंदी तो आपकी मेन सब्जेक्ट रहेगी लेकिन साथ साथ आप स्पोकन में इंग्लिश भी सीख लोगे तब भी आप इजीली ट्रांसलेटर बन सकते हो फ्रेंड्स। जैसे मैंने इंग्लिश ऑनर्स में भी बताया फ्रेंड्स, हिंदी ऑनर्स के जस्ट इंग्लिश ऑनर्स और हिंदी ऑनर्स जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो फ्रेंड्स मैं पहले भी बता चुकी हूँ और अभी भी बोलूँगी फ्रेंड्स मैं, कि हिंदी ऑनर्स हो इंग्लिश ऑनर्स हो चाहे बीए प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, दिस इज ओनली फॉर योर ग्रेजुएशन। अगर आप लाइफ में कुछ और करना चाहते हो तो आपके ये ग्रेजुएशन के लिए काम आएगा, लेकिन अगर आपको कुछ और किसी चीज़ की प्रिपरेशन करना है तो इसमें कोई ये आई थिंक कोई इसमें कोई लॉस नहीं होगा आपका। तो फ्रेंड्स आई होप कि अगर आप समझ गए होगे तो आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे एंड सब्सक्राइब करोगे से समथिंग को। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।